हेलो फ्रेंड्स आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल द टेक्निकल जॉब पे स्वागत है दोस्तों मैं आपके लिए नई जॉब रिक्वायरमेंट की इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया हूं जी हां दोस्तों न्यू जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें तो टाटा स्टील्स कंपनी की तरफ से यहां पर लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है अगर आप टाटा स्टील्स कंपनी के अंदर जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आपके लिए सुनहरा अवसर रखा गया है टाटा इस्टीस रिक्वायरमेंट जॉब हेयरिंग 2023 दोस्तों यहां पर टाटा इस्टील्स कंपनी की तरफ से यहां पर लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके अंदर ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए यहां पर हेयरिंग चल रही है यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन टेंथ ट्वेल्थ से लेकर यहाँ पर ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट आई हुई है यहाँ पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस सभी कैंडिडेट यहाँ पर जॉब प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पर आपको परमानेंट जॉब मिलने वाली है सिलेक्शन प्रोसेसिंग केवल इंटरव्यू के माध्यम से रखा गया है यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर रिटर्न टेस्ट नहीं होने वाला है केवल इंटरव्यू देकर आप यहां पर परमानेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं सैलरी की बात करें तो यहां पर आपके स्टार्टिंग सैलरी उनतीस हज़ार रुपये से लेकर आपको यहां पर सत्तावन हज़ार रुपये पर मंथ तक आपको यहां पर सैलरी पैकेज रखा गया है जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस और पोस्ट के अनुसार यहाँ पर आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर आल इंडिया कैंडिडेट के लिए जॉब रिक्वायरमेंट आई हुई है मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके इंटरव्यू देकर आप यहाँ पर परमानेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर एज वो आपके अट्ठारह ईयर से अधिक होनी चाहिए अठारह से चालीस वर्ष तक के कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं टाटा स्टील्स कंपनी के अंदर यहाँ पर कितनी पोस्टों के लिए जॉब रिक्वायरमेंट आवे कौन कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट आई है जॉब लोकेशन कहाँ रहने वाले किस प्रकार से आपको अप्लाई करना होगा सारे जानकारी मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ तो वीडियो के अंत तक बने रहें अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर लें। क्योंकि इस चैनल पर परमानेंटली फुल टाइम टाइम और पार्ट जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर आता तो रहता आप यहाँ पर देख सकते हैं टाटा स्टील्स कंपनी की तरफ से यहाँ पर हेयरिंग चल रही है जहां पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो तीन हजार प्लस पोस्टों के लिए यहाँ पर हेयरिंग चल रही है यहाँ पर तीन हजार प्लस पोस्टों के लिए यहाँ पर मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट के लिए जॉब रिक्वायरमेंट आई हुई है यहाँ पर डिपार्टमेंट पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए जॉब रिक्वायरमेंट आई हुई है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैनेजर से लेकर हेल्पर तक के लिए सभी कैंडिडेट के लिए जॉब रिक्वायरमेंट आई हुई है जिसके अंदर यहाँ पर आईटीआई से लेकर यहाँ पर टेंथ ट्वेल्थ सभी कैंडिडेट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आगे हम बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों एज क्राइटेरिया अट्ठारह वर्ष से लेकर चालीस वर्ष तक यहाँ पर एज क्राइटेरिया रखा गया है जो फ्रेशर और एक्सपीरियंस सभी कैंडिडेट के लिए सेम रखा गया है इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशनस के बारे में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेंथ ट्वेल्थ आई डिप्लोमा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर हेयरिंग की जा रही है यहाँ पर सैलरी पैकेज की बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर आपका स्टार्टिंग सैलरी पैकेज उनतीस हज़ार रुपये से लेकर आपको यहाँ पर सत्तावन हज़ार रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी पैकेज पे किया जाएगा इसके बाद हम बात कर लेते हैं जॉब लोकेशंस के बारे में तो यहाँ पर ऑल इंडिया लोकेशंस के लिए हेयरिंग की जा रही है जहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए यहाँ पर अलग अलग लोकेशंस के लिए यहाँ पर हेयरिंग की जा रही है जो आगे मैं आपको ऑफिशियल्स नोटिफिकेशंस के अंदर आपको बताने वाला हूँ इससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको फुल टाइम परमानेंट आपको जॉब प्रोवाइड की जा रही है एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों कैंडिडेट के लिए जॉब रिक्वायरमेंट आई हुई है मेल और फीमेल ऑल इंडिया की यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पर केवल इंट्रो के, के माध्यम से आपका सिलेक्शन प्रोसेसिंग रखा गया है इंट्रो होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा उसके तुरंत बाद में आपको यहाँ पर जॉइनिंग लेटर प्रोवाइड किया जाएगा तो अब हम बात कर लेते हैं टाटा स्टील्स कंपनी की तरफ से यहाँ पर अप्लाई कौन कौन सी पोस्टों के लिए कौन कौन से कैंडिडेट कर सकते हैं तो अप्लाई का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते दोस्तों हैं। जैसे ही आप अप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप टाटा स्टील्स कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे यहाँ पर डायरेक्टली अपनी लोकेशन एक्सपीरियंस के अनुसार यहाँ पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं अदरवाइज आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर टाटा स्टील्स कंपनी के अंदर जितनी भी जॉब रिक्वायरमेंट आई है उनके सभी के नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैनेजर पोस्ट लेकर यहाँ पर आपको सभी डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर आपको जॉब मिलने वाली है यहाँ पर आपको जॉब लोकेशंस भी आपको अलग अलग देखने को मिलने वाली हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस मिल जाएगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मिल जाएगी यहाँ पर आपको लोकेशंस मिल जाएगी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पर आपको क्लिक करके डायरेक्टली अप्लाई कर देना होगा जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली पोस्ट के बारे में तो यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो पोस्ट मिल जाएगी एक्सपीरियंस मिल जाएगा यहाँ पर टोटल नंबर है वैकेंसी मिल जाएगी और यहाँ पर आपको लोकेशन मिल जाएगी इसके बाद में यहाँ पर आपको अप्लाई नॉ बटन मिल जाएगा यहाँ पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना होगा इससे पहले आपको यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे तरीके से रीड कर लेना होगा इसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ स्किल्स मिल जाएगी ये स्किल्स आपको अपने रिज्यूम के अंदर एड कर लेनी होगी उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशनस आपको मिल जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल टाइम बी टेक बी के कैंडिडेट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद में आपको अप्लाई के लिए ऊपर की तरफ आना होगा और यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना होगा जैसे आप यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना होगा जैसे आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे इसके बाद में यहाँ से आपको सारे इंफॉर्मेशन आपको डाल देनी होगी यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालने के बाद में जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको रिज्यूम सहित अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको राइट कर देना होगा और यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके यहाँ से आपको सबमिट कर देना होगा दोस्तों इस प्रकार से घर बैठे अप्लाई करके आप टाटा स्टील्स कंपनी के अंदर इंटरव्यू देकर आप यहाँ पर परमानेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ